This is the last part of Indian economy रीडिंग which we were doing. हम एक रीडिंग पे बात कर रहे हैं, रिकवरी ऑफ इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नेहरू एरा बाय पी बालकृष्ण. अब इस रिकॉर्डिंग के अंदर भी हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से बालकृष्णन साहब ने कुछ मिसपरसेप्शंस मिसकंसेप्शंस जो रहे होंगे नेहरूवियन एरा के बारे में, उनको कैसे हटाया. तो पहला मिसकंसेप्शन था नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, हम ये पहले भी देख चुके हैं. दूसरा, नेगलेक्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जो कुछ रूप में सही था. और अब तीसरा मिसपरसेप्शन है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर एक्टिंग एज अ ब्लैक होल. उन्होंने कहा कि अगर आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को देखें तो क्यों ऐसा कहा जाता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर अ ब्लैक होल, राइट? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस डिन परफॉर्म वेल. उनके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को देख लीजिए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स को देख लीजिए, कम ही रहे हैं. एक दूसरा आरोप जो उन पे लगता है कि इनोवेशन नहीं होती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, विजवी जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में रही. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कंटेम्प्ट रहा, और पब्लिक रिसोर्सेज पे बहुत बड़ा बर्डन है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बिकॉज बहुत से रिसोर्सेज को चैनल करा गया था पब्लिक सेक्टर की ओर कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ग्रो करें. लेकिन बालकृष्णन साहब ये कहते हैं कि आप इसको इस तरीके से मत देखिए, आप ये ना कहिए कि पब्लिक, ये जो आउटकम आया ऐसा कुछ सोचा होगा, सोचा गया होगा नेहरू जी के एरा में. उन्होंने कहा कि आपको यह देखने की आवश्यकता पड़नी चाहिए कि जिस समय नेहरू जी ने स्टार्ट करा, जिस समय हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, उस समय ओरिजिनली क्या कॉन्सेप्ट था, क्या कंसेप्शन था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, क्या रोल दिया जाना था. ये बात देखने की सही बात है कि बहुत सारा जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन था वह पब्लिक सेक्टर की ओर होना था, उसके बिना कंट्री का ग्रोथ होना मुश्किल था. अगर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पे दे देते, प्राइवेट सेक्टर मेनली उसका अपना प्रॉफिट मोटिव होता है, वो मेनली उसी के लिए काम करता है. और उस समय ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना हमारे पास और चीजें थी जिससे हम और दूसरी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते थे. तो हमारे लिए इस बात की आवश्यकता थी कि हम पब्लिक सेक्टर को ग्रो करवाएं. उस वजह से बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ रिसोर्सेज मोबिलाइज करा गया था पब्लिक सेक्टर की ओर, पहली बात तो ये. फिर उन्होंने कहा कि अगर आप देखते हैं कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में बहुत सारी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट थी, और यह भी कहा गया था कि ये जो रिसोर्सेस हैं आप इन रिसोर्सेस को फॉरेन एड में मत ढूंढिएगा, आप इन रिसोर्सेस को स्टर्लिंग बैलेंसेस में मत ढूंढिएगा, आपको ये रिसोर्सेस जो कि आपको अपनी ग्रोथ की आवश्यकता के लिए चाहिए वो आपको अपनी इकोनॉमी में से ही लाने पड़ेंगे, ये कहा गया. उसके लिए पब्लिक सेक्टर के रोल के होने की, पब्लिक सेक्टर होने का जरूरत था. क्योंकि एक रीजन ये भी हो सकता था कि स्टेट का बहुत बड़ा होल्ड था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे, क्योंकि स्टेट का होल्ड था, स्टेट के पास ही वो रिसोर्सेज रहेंगे, स्टेट ही प्रॉपरली चैनलाइज करेगी कि अब इस सेक्टर को ग्रो करना है, अब इस सेक्टर को ग्रो करना है, सो दे कैन चैनलाइज इट. अदरवाइज क्या होगा, अगर हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ देते तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कि डेवलप हुई वो ना हो पाती, ऐसा ये एविडेंस दे रहे हैं, यह मत दे रहे हैं बालकृष्णन साहब. फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो टैक्स सिस्टम था हमारा, वो टैक्स सिस्टम भी इस तरीके से डेवलप हो रहा था कि जो जितनी भी जो इंक्रीजिंग नेशनल इनकम हमारी हो रही, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे टैक्सेस बढ़ रहे थे, उन टैक्स सिस्टम को डाइवर्ट करा जाए कैपिटल फॉर्मेशन इन पब्लिक सेक्टर. अगर ये सेक्टर ग्रो करेगा, इससे आने वाला पैसा हमारे लिए और सोशल सर्विसेज को भी एक्सपैंड कर पाएगा, इस तरीके का मत था. देखने बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं लगता कि यह रोल था पब्लिक सेक्टर का. और अगर आप ध्यान से भी देखें तो पब्लिक सेक्टर
ने अपना काम टू अ सर्टेन एक्सटेंट करा भी था, आप उस समय प्राइवेट सेक्टर पे को बहुत ज्यादा जोर नहीं दे सकते थे, आपको पब्लिक सेक्टर को डेवलप करने की आवश्यकता थी। ये ओरिजिनल रोल कंसीव करा गया था पब्लिक सेक्टर के लिए। दूसरा, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अंदर भी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में भी कहा गया था कि स्टेट को ये पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा, स्टेट को आना पड़ेगा इन सारे के सारे सेक्टर्स के अंदर, सो दैट ये सेक्टर्स डेवलप कर पाए। स्टेट को एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, वो बैठ के सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते, दे हैव टू टेक अ पार्ट इन द इकोनॉमी इटसेल्फ, ये कहा गया था। सो इस वजह से रिसोर्स मोबिलाइजेशन करा गया। और बालकृष्णन साहब ये भी कहते हैं कि इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए कि जो भी उस समय जिस भी तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए, जिस भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी और जो पब्लिक सेक्टर को रोल दिया गया था, वो पॉपुलिस्ट मेजर्स को ध्यान में रख के नहीं गया था दिया गया था। जो इकोनॉमिक्स थी वो पॉलिटिक्स से इंडिपेंडेंट रखी गई थी। टैक्सेस को बढ़ाया जा रहा था, उन टैक्सेस को बढ़ा के पब्लिक सेक्टर में दिया जा रहा था। हो सकता है कुछ बहुत सारे क्रिटिक्स रहे हो, लेकिन तब भी पॉपुलिस्ट मेजर्स के लिए नहीं करा गया था काम उसका, ये उनका मत था। ये वह कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर ने जहां तक हुआ डिलीवर भी करा है, एटलीस्ट ड्यूरिंग नेहरूवियन एरा। पहले तो उन्होंने कहा, पहला एविडेंस वो क्या दे रहे हैं कि आप इस बात को वो मानते हैं कि पब्लिक सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी कम रही होगी, पब्लिक सेक्टर जो भी उसके क्रिटिसिज्म्स हैं वो हैं, लेकिन वो यह कहते हैं कि जिस समय नेहरू जी ने स्टार्ट करा, जिस समय हमने अपने देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करी, उस समय पब्लिक सेक्टर को वो रोल देना इंपॉर्टेंट था, पब्लिक सेक्टर में रिसोर्सेस को इन्वेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट। फिर उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर ने अगर आप देखें तो डिलीवर भी करा नेहरूवियन एरा में, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। उन्होंने कहा नेहरू जी के एरा में अगर आप देखें तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी एज कंपेयर टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, राइट। पब्लिक सेविंग्स इन टोटल सेविंग्स उसका शेयर बहुत बड़ा। उन्होंने एक टेबल भी दिया है अपने रीडिंग के अंदर जिसमें उन्होंने दर्शाया कि जो पब्लिक सेक्टर की सेविंग्स थी वो प्राइवेट सेक्टर की सेविंग से ज्यादा बड़ा नेहरूवियन एरा में। और पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत भी जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस थे उन्होंने ज्यादा ग्रो कराया, उन्होंने ज्यादा ग्रो कर, ये उन्होंने इस तरीके की रीजनिंग दी है कि ये बताना, ये दर्शाना चाहते हैं वो कि पब्लिक सेक्टर ने भी परफॉर्म करा, देखिए उसकी सेविंग्स बढ़ रही। लेकिन इस बात में भी उन्होंने कुछ बातें कही कि कुछ कैवियट्स हैं, और सबसे बड़ा कैवियट तो ये है कि सिर्फ सेविंग इंक्रीज कर देना का ये नहीं होना चाहिए कि एफिशिएंसी है, क्योंकि ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी ये मोर और लेस मोनोपोलीज थी, ठीक है। सो सब कुछ एक ही तरह की कंपनी थी, हर कोई इन्हीं से बाय कर रहा था, लोगों के पास इतनी चॉइसेस नहीं थी कि वो इस कंपनी के पास जाए या उस कंपनी के पास जाए, तो दिस शुड नॉट बी टेकन एज अ मेजर और एज अ मार्क ऑफ एफिशिएंसी, ये बात बालकृष्णन साहब ने भी करी। लेकिन उन्होंने इस बात को इस तरह से एंड करा कि जहां तक पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस देने की बात थी, तो पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना एक तरीके की स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन थी, क्योंकि उस समय पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना जरूरी था इकोनॉमी के लिए, और उस पब्लिक सेक्टर ने डिलीवर भी करा है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आप ये नहीं कह सकते कि पब्लिक सेक्टर ने डिलीवर भी नहीं करा, राइट। दिस इज व्हाट बालकृष्णन साहब वांट्स टू से इन दिस पर्टिकुलर रीडिंग, जो हमने इसके कुछ पोर्शंस करे हैं इसके। आपको रीडिंग पढ़नी पड़ेगी डेफिनेटली, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं जो भी इंडियन इकोनॉमी की रीडिंग है, जैसे ये दिस सीम्स टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट रीडिंग, तो जब आप पढ़ रहे हो आप तभी छोटे छोटे पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर दो, और ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये रिकॉर्डिंग्स रीडिंग का सब्स्टिट्यूट है, आपको रीडिंग पढ़नी ही पड़ेंगी,
जो पॉइंट्स मैंने लिए, हो सकता है आप कुछ और भी पॉइंट्स लेना चाहते हो, लेकिन ये सुन के शायद आपको आसानी से समझ में आ जाए, दिस इज देयर दैट यू कैन डू, बट इसको सब्स्टिट्यूट की तरह से मत लीजिएगा, रीडिंग आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और इंडियन इकोनॉमी की रीडिंग में ध्यान दीजिए, जैसे हम लोगों ने पढ़, हमने एविडेंसेस को ढूंढा है हर जगह कि बालकृष्णन साहब किस तरह का एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक नेहरू जी के काल को इस बात को डिफेंड करा है कि उनके टाइम में ग्रोथ हुआ, और किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म अगर हो रहा था तो उन्होंने उस क्रिटिसिज्म का क्रिटिसिज्म दिया, मतलब उस क्रिटिसिज्म को डिफेंड, उस क्रिटिसिज्म को हटाने की चेष्टा करी है, उस चीज का डिफेंस दिया है। तो यही इस तरीके का, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको पूरी रीडिंग नहीं लिखनी है। ऐसा नोट बना के मत जाइएगा कि आपने जी पी बालकृष्णन की एक समरी से तैयार कर ली और उसके बाद जो मर्जी क्वेश्चन आए आपको लिखना वही है। रीड कर लीजिएगा पेपर में कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आप आंसर क्या दे रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी का ये मतलब नहीं है कि ऐसे 4 पेज हर रीडिंग के लिख लिए और उसके बाद जो मर्जी आएगा पेपर में वही लिख देंगे। जैसे इकोनॉमिक हिस्ट्री के पेपर में रेलवेज वर्ड आया और जो चालू हो गए, आपको देखना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहे हैं, एंड देन व्हाट यू आर ट्राइंग टू आंसर। हाँ, देखिए अपने 10 ईयर्स के अंदर किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या जो आपने समराइज करा है रीडिंग को, क्या आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तरीके से आंसर करिएगा, टू द पॉइंट आंसर करिए, लेकिन ठीक आंसर करिएगा। चलिए, थैंक यू बेटा।